भारत विकास परिषद रोहतक शाखा द्वारा रामनगर स्थित शिक्षा भारती स्कूल में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बीपी जैन वोकेशनल सेंटर की चेयरपर्सन समृद्धि जैन ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता पठानिया एजुकेशन सोसाइटी की संस्थापक वर्षा पठानिया ने की। समारोह की अध्यक्षता शिक्षा भारती स्कूल के अध्यक्ष हीर सिंह यादव ने की। मुख्य अतिथि समृद्धि जैन ने कहा कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए परिषद की अच्छी पहल है। इसके माध्यम से लड़कियां फैशन डिजाइनिंग में अपना कीर्तिमान स्थापित कर सकती हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही वर्षा पठानिया ने कहा कि इस युग में लड़कियों के उत्थान के लिए काम हो रहा है। हमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी अपनाओ और बेटी बसाओ के नारे को साकार करने की जरूरत है। कार्यक्रम संयोजक मंजू बिंदल व सीमा शर्मा ने अतिथियों को अंग वस्त्र व पौधा देकर सम्मानित किया। शाखा अध्यक्ष लोकेश जैन व सचिव विक्रांत शर्मा ने, महिला संयोजिका नीलम सहगल ने आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद किया। इस मौके पर स्कूल की प्राचार्य ममता भोला, चंद्रसेन जैन, शमशेर प्रकाश गोयल, संतोष बंसल, श्वेता जैन, गीता गुप्ता, पुष्पा चावला, एपी अरोड़ा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सिलाई केंद्र जो आज खुल रहा है उसके लिए मैं यही कहूंगी कि आगे आपको मुझसे कोई भी बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट की तरफ से कोई भी कभी भी कोई जरूरत हो, कोई भी हम मिलके आगे काम कर सकते हैं। कुछ भी समय समय पे कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना हो, कुछ भी हम किसी भी तरह की अगर हेल्प चाहिए तो हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो शिक्षा भारती में सिलाई केंद्र का इनॉग्रेशन होने जा रहा है उसमें एक हिस्सा बनने के लिए मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आपने इस विचार को अपने दिमाग में केंद्रित करके इसको क्रियान्वित करने का भी तरीका निकाला। ये आज की ज़रूरत है कि हमारी बेटियां आज हर फील्ड में काम कर रही हैं लेकिन उसके पीछे भी समाज का हाथ है। इसी तरह जैसे भारत विकास परिषद है, मैं भारत विकास परिषद से पिछले 25-26 सालों से जुड़ी हुई हूँ, बल्कि इससे भी हो सकता है ज़्यादा हूँ, और मैं देखती आ रही हूँ कि भारत विकास परिषद शाखा अब बहुत सारी हो गई है क्योंकि मेंबर काफ़ी हो गए हैं। इनके तन्मयता को देखकर, इनके काम को देखकर सब में ही ये फीलिंग आती है कि हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए क्योंकि ये समाज के उत्थान के लिए करें। इनके नाम से ही प्रतीत होता है भारत विकास परिषद, भारत के विकास के लिए